इतिहास के पन्नों से। आइए जानते हैं इतिहास की पन्नों में 30 नवंबर किस तरह दर्ज हुआ। सन 1667 में जोनाथन स्विफ्ट नामक आयरलैंड के लेखक का डबलिन में निधन हुआ। उनकी गुलिवर यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक विश्व साहित्य की शानदार रचनाओं में गिनी जाती है। सन 1804 में फ्रांस के आविष्कारक जोसेफ कोनियो का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें गाड़ी का जनक कहा जाता है। सन 1822 में ब्रिटेन के चिकित्सक और चेचक के टीके की खोज करने वाले एडवर्ड जोन्स का निधन हुआ। वहीं सन 1858 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ। सन 1872 में पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाला ये मैच वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट में हुआ था। 1874 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ। और वहीं सन 1900 में आज के दिन मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड का निधन हुआ। 1931 में आज के दिन भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर का जन्म हुआ। तो वहीं 1961 में तत्कालीन सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए कुवैत के आवेदन का विरोध किया। सन 1999 में विश्व के बड़े मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायण गांव में उद्घाटन हुआ। सन 2000 में आज के दिन प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी। सन 2010 में भारतीय वैज्ञानिक और स्वदेशी आंदोलन प्रणेता राजीव दीक्षित का निधन हुआ। और सन 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन हुआ। ये थी बातें इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज़।